जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजबली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जेकर नाम है हाइड्रोजन। अगर आप करते हैं 11 चाहे 12 चाहे कौनो प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी, तो देखिएगा ये वीडियो को फुल। आप फुल देखने के बाद अगर आपके जहन में बस गया होगा तो आप कह दीजिएगा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर तो आप रेल के कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके मजाकिया अंदाज में केमिस्ट्री को। मेरे मित्र, चालू करते हैं हाइड्रोजन। ये चैप्टर जो देखिए, ये 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोजन नाम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना हम थोड़ा सा ओकर परिचय दे देते हैं कि हाइड्रोजन है का, कैसे पर खोज हुआ था, के खोज कर ले था, के एकर नामकरण किया, काहे एकर नाम हाइड्रोजने रखा गया, एकरे पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। देखिए सर, एक समय का बात है, आप उस समय था 1766। याद रखिएगा समय कब बताए हैं हम, 1766 में एगो ना वैज्ञानिक हुआ करते थे जेकर नाम था हेनरी कैवेंडिश। याद नाम रखिए, नाम क्या याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश नाम का जो एक वैज्ञानिक था, का किया था आ खोज कर दिया हाइड्रोजन का गलती से। देखिए कैसे हाइड्रोजन का खोज हुआ था, ठीक है। हुआ क्या कि हेनरी कैवेंडिश क्या किया कि आयरन जो होता है ना लोहा पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल डाला। जब उन्होंने लोहा पर अम्ल को डाला ना, तो डलपहिए वो देखा कि वॉइस निकलने लगा, तो वो बोला कि भाई ये का निकलने लगा जी, तो ओकरा का किया एगो विकर्मा में बंद कर लिया, ठीक है। मान के चलिए ऐसा का प्रकार का एगो बर्तन था जरा में का कर लिया हाइड्रोजन गैस को बंद कर लिया, ठीक है। पहले अगर नाम नहीं जानता था हाइड्रोजन था, लेकिन 1766 में ये गैसवा को बंद करके रखा और एक बारे में अध्ययन करना चाहा, जानना चाहा कि व्हाट इज दिस, ये है का। तो ओकर बारे में जब वो अध्ययन किया ना, तो वो गैसवा को जला करके देखा, ठीक। तो जब उन्होंने जलाया ना, तो वो गैस फक फक जलता था, खूब जलता था, बहुत जलने लगा। बोला अरे ये तो गैस जलने वाला है जी, तो जो लगे रहे उसको लगनशील कहते हैं, और जो जलते रहे ओकरा ज्वलनशील कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जलने वाला था, खूब जलता था, मजा आता था इसको जलने में, तो एक नाम रखा ज्वलनशील गैस, ठीक है। तो पहले ना ये गैसवा जो लोहा पर एसिड को डालने से निकला था, उस गैसवा का नाम रखा ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील गैस, ठीक। ये खोजा के हेनरी कैवेंडिश एक नाम था, जो इन्होंने ज्वलनशील गैस को खोजा था। तब एक समय आया आटा बोर वाला चलने लगा, एक नया वैज्ञानिक आया जेकर नाम था लेबोजियर। वो लेबोजियर साहब का किए बोला कि कन्ने खोज के रख ले है जी, हेनरिक भैया जो है ना एगो पहले ही से खोज के रख ले था गैस जे ज्वलनशील था, बोला कि तनी ओकरा देखते हैं जला करके, ठीक। तो वो आए इसको का किए हाइड्रोजन गैसवा को, हाइड्रोजन को के साथ इसको जलाए, जलाए तो निकल गया जल जल। उन्होंने बोला अरे तुरीके गजबे बात न हो गया, हम लोग क्या जानते, कोई भी चीज जलेगा तो राख बन जाएगा और धुआं बन जाएगा। ये बोला कि देखो ना कैसन कमाल का गैस है, जलने के बाद ये ना ही तो राख बनाया ना ही धुआं बनाया, ये तो बना दिया का जल। एक साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता था, लेकिन अल्प मात्रा में, अल्प मतलब बहुत कम, जैसे 1 लीटर अगर बना जल तो 1 बूंद हो गया परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो का फायदा, कोई बना नहीं, समझ में आ रहा, बहुत अल्प मात्रा में बनता था, ठीक है। तो उन्होंने लेबोजियर साहब जो थे इसको जला करके जब देखे, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये जो है ना ये हाइड्रोजन ये आयन गैस नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला उसको, तब तो मर गया था, और ये समय था जानते हैं कब, 1883 ईस्वी का समय था, 1766 में खोज हुआ था, 1883 में एक बात चर्चा किया,
अब तक भी कहा कि इसको लेबोजियर की बाह हेनरी भैया केवेंडिस भैया ऊपर खुदा को याद करते हुए बोला आपका आत्मा को शांति दे, कहे कि आपने जो जल को खोजा गैस को खोजा है ना वो आम गैस नहीं है, वो गैस है जल बनाने वाला गैस है। ठीक, तो ग्रीक में ना ग्रीक में भी जल बनाने वाला, देखिए बनाने वाला का मतलब क्या होता है, जल बनाने वाला का मतलब होता है उत्पादक, एक विशेष शब्द देते हैं उत्पादक का मतलब होता है उत्पाद करने वाला बनाने वाला, समझिए ठीक है। और जल जल उत्पादक आने के हाइड्रोजन कैसा था, जल उत्पादक था, तो ग्रीक शब्द में ना ये जलवा को कहा जाता था हाइड्रा, ठीक है, और उत्पादक को बोला जाता था जल, ठीक है, और ये दोनों मिला और तब इंग्लिश का एक शब्द होता है, ये दोनों के मिलने के ही बाद हाइड्रोजन का उत्पत्ति हुआ था, ये दोनों मिलने के बाद इंग्लिश का एक नया शब्द बनता है, जैसे सबका अपना अपना मतलब होता है ना, तो इंग्लिश में एक शब्द आया जिसका नाम पड़ा सर हाइड्रोजन, तब इसी तरह से हाइड्रोजन का नाम पड़ा, हाइड्रोजन जल उत्पादक गैस है, जल बनाने वाला गैस है, और जल का होता है हाइड्रा और बनाने वाला का होता है जल, इसीलिए इसको मिला करके कहा गया हाइड्रोजन, और यह हाइड्रोजन नाम देने वाला विद्वान का नाम था लेबोजियर साहब, इसका नाम रखे थे लेबोजियर, लेबोजियर साहब इसका नाम रखे थे। आप ये बतवा जानबे नो करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोजियर बाबू को बोला जाता है, ठीक है, चलिए तो आप समझे हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन ही क्यों पड़ा और इसका नाम किसने रखा और कब रखा, कब रखा 1883 ईस्वी में एक नाम रखा और ओकरा धन्यवाद बोला, केकरा केवेंडिस को बोला, केवेंडिस भैया चाहे जो कहिए आप खोजे जो है ना जबरदस्त गैस खोजे थे, लेकिन भैया आप गलती ये कह दिए थे कि ज्वलनशील तो पहले है लेकिन ना जल उत्पादक है, ठीक है, ये इसका नाम तब जल उत्पादक के चलते ही रखा। चलिए आगे बात करते हैं सर, जब हाइड्रोजन का खोज होने लगा तो हाइड्रोजन का जब विशेष चर्चा हुआ पूरा ब्रह्मांड में देखा गया तो ढेर दिन के बाद पता चला हाइड्रोजन के खोज होने के बाद कि पूरे ब्रह्मांड में तारा सूरज वो सब जो है तारा सब में पूरा तारा सब में ना खाली हाइड्रोजने भरण होता है, ऊपर द्रव्यमान हाइड्रोजने सब पर डिपेंड करता है, तब ऐसा माना गया ऐसा ज्ञात हुआ पता चला कि ब्रह्मांड जो है ना ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई तत्व पाई जाता है तो ओकर नाम है हाइड्रोजन, लेकिन अगर पृथ्वी पर पूछे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो कहिएगा ऑक्सीजन, ठीक है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन और पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का बोलबाला चलता है, लगभग 70-71% पाया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन का यहां पर बात किया जाए, हाइड्रोजन को ना जिस तरह से जब हाइड्रोजन का खोज हुआ तो हाइड्रोजन का नाम देखिए, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इतना बड़ा लिखिएगा, इतना बड़ा लिखिएगा, तो जिस तरह से एक मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द होता है बराबर, तो वहां सीख लिया जाता है बराबर को ना ऐसे सूचित कर देता था किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था, चलिए अगर पाई होता था ना पाई, पाई को ना ऐसे सूचित करता है किसी को कोई तकलीफ नहीं होता था, इसलिए वो अगर ऐसे सूचित करता था किसी को कोई तकलीफ नहीं तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन का पहला अक्षर एच है तो इसको एच से सूचित करेंगे तो केकरो कोई तकलीफ होगा का, बोला नहीं केकरो कोई तकलीफ नहीं, तो हाइड्रोजन को सूचित करा जाता है केकरा से एच से, जब हाइड्रोजन जब सब तत्व का जब बोलबाला चला मतलब तत्व के बारे में ज्ञान लिया गया पढ़ा गया देखा गया तो हाइड्रोजन को भी क्या किया, हाइड्रोजन को फोड़ा गया, हाइड्रोजन के परमाणु को फोड़ा, अब फोड़ने के बाद क्या पता चला कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होइबे नहीं करता, यानी कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन उपस्थित होता है जबकि एकरा में न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होता है, यानी कि पहला तत्व है हाइड्रोजन जकरा में न्यूट्रॉन होइबे नहीं करता है, ठीक है, तब
और हम लोग जानते हैं कि जिस तत्व में जितना प्रोटॉन होता है ना उसका परमाणु क्रमांक उतने होता है, ठीक है। जैसे एकरा में कई गो प्रोटॉन है, एक, तो जेकरा में एक गो प्रोटॉन का होता परमाणु क्रमांक कितना होगा, एक, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या एक की बात होता है, हो जाएगा एक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक और इसका द्रव्यमान भी होता है एक। कुछ ऐसा नहीं, चलिए तो इस तरह से हाइड्रोजन का ये हुआ, ठीक। फिर देखा गया हाइड्रोजन का जब खोज होते 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 तो कई वैरायटी का हाइड्रोजन मिला, तीन वैरायटी का हाइड्रोजन मिला, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन का समस्थानिक कहा गया। चलिए चर्चा करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक पर, ठीक है। चलिए तो हाइड्रोजन का समस्थानिक पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के समस्थानिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दीजिए। चलिए अब हाइड्रोजन के समस्थानिक पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन प्रकार का हाइड्रोजन खोजा गया था। देखिए देखिए समस्थानिक पहले समझ लीजिए, पहले समस्थानिक समझिए। जैसे मान के चलिए एक तत्व है ए, एक तत्व है बी, वो आरु तत्व है आज का नाम है सी, अलग अलग तत्व ले लिए, सेम तत्व भी हो सकता है, ठीक। आ एकर परमाणु द्रव्यमान है एक्स, द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है, आ एकर परमाणु द्रव्यमान है वाई, आ एकर परमाणु द्रव्यमान लिखे जेड। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन इसमें का परमाणु क्रमांक का बात कीजिएगा ना, एकर परमाणु क्रमांक निकला एक, एक नहीं एन मान लेते हैं, एन, आ एकरो परमाणु क्रमांक एन, आ एकरो परमाणु क्रमांक एन, ठीक है। जब किसी तत्व का एक या एक से दो या दो से अधिक तत्व का, ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम हो जाए, देखिए परमाणु क्रमांक सेम है एन एन एन, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाए तो वो सब तत्व एक दूसरे का समस्थानिक कहलाएगा, यानी कि सब क्या हो जाएगा, समस्थानिक है। कोई दिक्कत नहीं, परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग वाला तत्व को कहल जाता है का समस्थानिक। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, उसी तरह से होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज हुआ, ये हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला हाइड्रोजन जो था ना, एक परमाणु क्रमांक एक होता था, दूसरा का भी एक के, और तेसरका का भी एक के, सबका परमाणु क्रमांक कितना, एक के हुआ। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान एक कर पाया गया एक, एक कर दो, एक कर तीन, सबका परमाणु क्रमांक कितना कितना हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि जेकर परमाणु क्रमांक सेम है तो इस सब का परमाणु क्रमांक सेम हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, इसका मतलब यह तीनों ये जो है ना हाइड्रोजन के समस्थानिक है। क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, सॉरी मिक हो गया है, सॉरी गलती से हो जाता है। चलिए तो समस्थानिक, कोई टेंशन नहीं सर। अच्छा, जो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक था ना, ओकर नाम रखा गया था प्रोटियम। क्या नाम रखा गया था सर, प्रोटियम, प्रोटियम। एक सूचित कर गया एच टू से, कॉथी से, एच टू से एकर हो गया अनुसूत एच टू, एकर नाम रखा ड्यूटेरियम, 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 एकरा डी टू से या डी से बोल सकते हैं, डी टू हम लिख देते हैं, ठीक। एकरा एकर नाम रखा गया ट्रिटियम, ट्रिटियम, ऐसे लिखते हैं टियम, ट्रिटियम, एकरा सूचित किया गया टी टू से, कोई दिक्कत नहीं। और प्रकृति में जो हाइड्रोजन का ये पहला समस्थानिक था ना, सबसे ज्यादा एकरे खोज हुआ, ये पाया गया, और पाया गया कि प्रकृति में जितना भी हाइड्रोजन है ना, पूरा हाइड्रोजन में, ये तीनों हाइड्रोजन में 99.98% 98 से होता है दशमलव के बाद एक एक डिजिट बोला जाता है, यानी कि 99.98% जो है ना प्रोटियम पाया गया, ठीक है। और ये जो था ना, ये हल्का होता था, और आपको पता होना चाहिए कि पूरा दुनिया में सबसे अगर हल्का तत्व की बात किया जाए तो वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन।
सबसे दुनिया का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला भी हाइड्रोजन ही है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन में प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में और ट्रिटियम में अगर बात कीजिएगा ना, तो भारी हाइड्रोजन कहा जाता है इसको, भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन लिख देते हैं हम, हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन होता है ड्यूटेरियम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब जरा समझिए, जब हल्का हाइड्रोजन होगा ये H2O, तो ये हल्का हाइड्रोजन से जल का परिभाषा सूत्र यही ना होता है H2O, तो हल्का हाइड्रोजन से बनलका जलों को हम लोग कहेंगे हल्का। ठीक है, जब तक कोई हल्का नहीं होगा तो भारी भी नहीं होगा। ठीक है, कंपेयर के अनुसार हल्का भारी होता है। ठीक, जब ये हल्का हाइड्रोजन था तो हल्का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के चलते जल बना भी हल्का, हल्का जल का सूत्र हो जाएगा क्या H2O, ये भारी हाइड्रोजन है तो भारी हाइड्रोजन को D2 से यहाँ हो जाएगा O, यानी कि तब होता है हल्का जल के चलते H2O और भारी जल का तब फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल का D2O होता है। कोई टेंशन नहीं, समझे। चलिए अब ये तीनों समस्थानिक में समझिए कि इसका द्रव्यमान 1 क्यू, इसका द्रव्यमान 2 क्यू और इसका द्रव्यमान 3 क्यू। तो इन सबको फोड़ फोड़ के देखिए, जब इसको आप फोड़िएगा ना, पहला प्रोटियम को फोड़िए, प्रोटियम, प्रोटियम को जब आप फोड़िएगा ना, तो फोड़ने के बाद होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला समझिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने का, द्रव्यमान यहां लिख देते हैं हम, द्रव्यमान निकालने का यहां लिख देते हैं, ऐसे ऐसे समझिए। ठीक है, एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए प्रोटॉन की संख्या कई हो, ए हो तो एक के रूप हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना, जीरो, जीरो तो एक प्लस जीरो एक के रूप हो जाएगा, एक हो गया एक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ड्यूटेरियम का, D2 से हम इसको सूचित कर देते हैं, एकरा फोड़िएगा, एकरा फोड़िएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ये जो पाया गया ना दूसरा का, ये जो हाइड्रोजन पाया गया ड्यूटेरियम जेकर नाम रखा, ओकरा में देखा कि एक और न्यूट्रॉन पाया जाता था। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन, हम लोग जानते हैं परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है, परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कई हो एगो, न्यूट्रॉन कई हो एगो, एगो एगो दूगो, इसीलिए ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना दू, हॉय वाला का ट्रिटियम का, एकरा जब फोड़िएगा ना ट्रिटियम को, एकरा जब फोड़िएगा तो एगो इलेक्ट्रॉन आ एगो प्रोटॉन आ दूगो न्यूट्रॉन निकलेगा, जब एकरा में दूगो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या आप जोड़ दीजिएगा, आ जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 3, तो एक परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 3। समझिए, ठीक है, अगर भारी जल का द्रव्यमान पूछ देगा कितना होगा तो कैसे बताइएगा, चलिए बताते हैं, भारी जल का ही पूछ देता है भारी जल का द्रव्यमान, जैसे देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान हुआ 1, भारी किसमें हल्का जल में, एक कितना होता है 1, तो दो को हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, दो हाइड्रोजन के कारण इसका जल का द्रव्यमान 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, 2 और 16 दोनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा 18, एक परमाणु द्रव्यमान कितना 18 जल का। ठीक है, अच्छा एगो ड्यूटेरियम का कितना द्रव्यमान होता है 2, तो 2 को है तो कितना हो जाएगा 4, और एगो ऑक्सीजन का कितना 16, एक हो जाएगा आपका 20। कोई टेंशन नहीं, ये दोनों का एक होता है हल्का वाला का 18, एक वाला का हो जाता है 20। समझे, ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं और हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन को ना आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि उसको आवारा तत्व काहे कहल गया है। ठीक है, पहले एकरा देते हैं हम मिटा, ठीक है मिटा देते हैं, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजनवा को आवारा काहे कहल जाता है। ठीक है, अच्छे से समझिए, हम लोग बचपन में हम लोग का भी पापा कहते थे आवारा, काहे कि हम लोग ना इधर उधर भटकते रहते थे, आदमी ऐसा का बोलो करता है कि आवारा के तरह भटकता है, मतलब आवारा के तरह भटकता है, मतलब आवारा ज्यादा भटकता है।
भटकता है। तो जो ज्यादा भटके और हम लोग क्या बोलते हैं, आवारा बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए, देखिए हाइड्रोजन की अगर संयोजकता का बात कीजिएगा ना, हाइड्रोजन की संयोजकता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक के रख जाएगा, ठीक है, एक होगा के कक्षा में, एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा या इसी को 1s के, ठीक है। चलिए, तो इसमें जितना अंतिम कक्षा में अगर चार से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसका संयोजकता हो जाता है, चार भी हो तो वही संयोजकता हो जाता है। तो एक पास देखिए कई इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक संयोजकता हो जाता है एक, ठीक है। एक संयोजकता वाला का गुण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी में देखिएगा तो एक जो होता है ना, लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम इस सब का देखिएगा ना, पोटेशियम इस सब का देखिएगा, सारा का जो होता है ना संयोजकता होता है एक, एकरो एक, एकरो एक, एकरो एक। फिर इधर आ जाता है एक तत्व होता है, एक ग्रुप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, ठीक है, हेलोजन ग्रुप या क्षारीय धातु होता है, इस क्षारीय धातु होता है, इधर हो जाता है आपका हेलोजन ग्रुप। जैसे हेलोजन ग्रुप में आपका हो जाता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन सब होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच में हम लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का संयोजकता भी कितना है एक। अब देखें ये है धातु, ये सारा का सारा क्या होता है धातु, और ये सब क्या है, ये सब है अधातु, ये भी अधातु, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अधातु अधातु एकर वाला गुण हो गया, लेकिन एकरो संयोजकता तो एक के होता है, तो इहो वाला तो इसमें गुण होना चाहिए ना, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, ये क्या करता है, ये ना कभी इसके तरह काम करता है, ये प्लस वाला संयोजकता की तरह, और कभी काम करता है हेलोजन की तरह, ठीक है। जिस तरह से लिथियम क्या करता है, लिथियम अगर हेलोजन से अभिक्रिया करेगा ना, तो लिथियम हेलाइड का निर्माण कर देगा, यानी कि धातु हेलाइड का निर्माण कर देता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी जब करता है ना हेलोजन से अभिक्रिया, तो वह हाइड्रोजन हेलाइड बना देता है, यानी कि इसका गुण से मिलता जुलता रहता है, और यह क्या करता है, इसका भी गुण से मिलता जुलता रहता है। तो यह क्या करता है, यह हाइड्रोजन क्या करता है, कभी इधर वाला गुण और कभी इधर वाला गुण, दोनों तरह का गुण दिखाता है, ठीक है। दोनों तरह का गुण दिखाने का मतलब होता है, जैसे आप समझिए, इसको समझाने के लिए आपको एक बढ़िया आइडिया आ गया, दिमाग में सोचते सोचते आ गया। देखिए इसमें ना नीतीश चाचा वाला गुण पाया जाता है, नीतीश चाचा समझिए कैसे, नीतीश चाचा वाला गुण देखिए, हाइड्रोजन में नीतीश चाचा वाला गुण कैसे होता है, नीतीश चाचा भी क्या करता है, वो प्रॉफिट देखता है। अगर देखता है कि राजद के तरफ जाने से सत्ता मेरे हाथ में आएगा तो राजद में मिल जाता है, और देखता है राजद कमजोर पड़ने लगेगा तो बीजेपी में मिल जाता है, यानी कि दोनों में जाने का उसका गुण होता है, दोनों में जाने का गुण, वही खातिर तो अगर पलटू चाचा कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ये भी देखता है, इधर भी इसमें आने का गुण, इधर भी आने का गुण, जिधर पैदा होगा पलट गया, ठीक है। तो एकरा हम लोग पलटू नहीं बोलेंगे, ये जो होता है ना ये भटकते रहता है, और जो भटके चारों तरफ इधर उधर भटकने के कारण हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना गया, आवारा, ठीक है, आवारा या आवारा जो भी होता होगा, ठीक है। आइए वो गाना भी है, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए, तो ये हाइड्रोजन समझाने के लिए था, आवारा हवा का झोंका हूं, तो ये आवारा है, आई हाइड्रोजन है, हवा का भी तो झोंका है, तो यही हाइड्रोजन को बोल रहा था, ठीक। तभी आदमी सोच रहा था हीरो के बारे में, अरे हीरो तो हाइड्रोजन है, हीरो, ठीक है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन को माना जाता है, हालांकि गुण बदलता है फिर भी माना जाता है इसको, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का पहला तत्व। तो आप समझे, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए, क्यों बना था, हाइड्रोजन समझाने के लिए बना था, ठीक है। चलिए ये आप समझिए आवारा तत्व के नाम से इसको क्यों कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह दोनों वाला गुण रखता है, ठीक है। अच्छा इससे आगे ना भजन भक्ति गाना सब बजने लगता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कष्ट करके वीडियो बना ही लेना है,
तो आपको अगर मजा आया होगा पढ़ने में, अगर समझ में आ गया होगा, तो आप कीजिएगा सबसे पहले वीडियो को शेयर, ओकर बाद लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसको शेयर करना नहीं भूलिए, रेल के शेयर कीजिए, जितना शेयर उतना लोग तक पहुंचेगा, ठीक है, और उतना लोग को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।